नाका चौक के पास स्थित ग्रीन गार्डन मैदान को खेल के लिए आरक्षित करने की मांग को लेकर क्षेत्र के युवाओं ने बुधवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। युवा खिलाड़ियों ने मैदान में मेला, बाजार और अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की अनुमति नहीं देने की मांग प्रशासन से की है, ताकि इस क्षेत्र के युवा बच्चों के लिए एक यह खेल का मैदान उपलब्ध हो, जिसमें इन दिनों बाजार और मेले भी लगने शुरू हो गए हैं। तुसलापुर से लेकर अगर आप स्टेशन तक देखेंगे, एक ही ग्राउंड है हमारे शहर में, दो तीन ग्राउंड और सीएमडी है, लेकिन वहाँ भी देखते हैं क्राफ्ट उत्सव चलते रहता है। और अभी लगातार देखा जा रहा है कि कोई वाहन मेला लगा दे रहे हैं, कोई क्राफ्ट उत्सव लगा दे रहा है, और अभी हमें सूचना मिली है कि वहाँ पर सैटरडे मार्केट लगा जाएगा। बच्चे खेलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन खेलने के लिए जगह नहीं है तो बच्चे कहाँ करेंगे। सुबह हम 6 बजे 7 बजे क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ मान लीजिए सैटरडे मार्केट लग जाता है, वहाँ पर संडे ग्राउंड साफ नहीं होगा, हम क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे। सूचना देना चाहते हैं कि उस ग्राउंड को ग्राउंड रहना दिया जाए खेलने के लिए, ताकि सभी बच्चे टाइम पर आएं और जो नियमित दिनचर्या रहती है लोगों की वो चलते रहे।